सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, घने जंगलों, झरनों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गुफाओं से घिरा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी छोर पर अवस्थित एक नक्सल प्रभावित एरिया है। बस्तर जिले का हेडक्वार्टर जगदलपुर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला के बारे में बताऊंगा, तो बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के पूरे लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बस्तर जिला की हर छोटी बड़ी बातें जिससे शायद आप अभी तक अनजान थे जानने को मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे मौजूद इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण महाकाव्य के अनुसार बस्तर जिले को दंडकन्या कहा गया है। बस्तर जिला उत्तर पश्चिम में नारायणपुर जिला से, उत्तर में कोंडागांव जिला से, पूर्व में उड़ीसा राज्य के नवरंगपुर और कोरापुट जिला से, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा जिला से घिरा हुआ है। बस्तर जिले का टोटल एरिया 10,470 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 4,233 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जंगलों के अंतर्गत आता है। फिलहाल बस्तर जिले में 3 सब डिवीज़न जगदलपुर, बस्तर और टोकपाल, 7 तहसील और ब्लॉक जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, टोकपाल, बस्तानार और दरभा, 2 म्यूनिसिपैलिटी और 595 गांव आते हैं। दोस्तों, बस्तर जिले में लगभग 70% लोग ट्राइबल हैं, जिनमें गोंड, मारिया, भात्रा, मुरिया, हलबा और ध्रुवा समुदाय के लोग शामिल हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार बस्तर जिले का पॉपुलेशन 14,13,199 है, जिसमें मेल पॉपुलेशन 6,98,487 और फीमेल पॉपुलेशन 7,14,712 है। वहीं बात अगर जनसंख्या घनत्व की करें तो बस्तर जिले का जनसंख्या घनत्व 140 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार बस्तर जिले का सेक्स रेशियो 1,023 महिला प्रति 1,000 पुरुष है, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग लड़कों और लड़कियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते हैं। दोस्तों, बस्तर जिले की इस लाजवाब खूबी के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, धर्म के आधार पर देखा जाए तो बस्तर जिले में हिंदू 90.43%, क्रिश्चियन 1.98% और अन्य धर्म के 7.59% लोग रहते हैं। बात अगर साक्षरता की हो तो बस्तर जिले का साक्षरता दर 54.40% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 64.82% और महिलाओं की साक्षरता दर 44.26% है। दोस्तों, किसी भी राज्य अथवा जिले का निर्माण वहाँ की शिक्षा शैली पर निर्भर रहता है। बस्तर जिले में पढ़ने के लिए कई सारे शानदार शिक्षण संस्थान मौजूद हैं, जहाँ स्कूलों में विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर, बस्तर हाई स्कूल जगदलपुर, निर्मल विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय धर्मपुरा, संत जेवियर हाई स्कूल, संस्कार द गुरुकुल, माउंट लिटेरा जी स्कूल, DPS जगदलपुर, जबकि कॉलेजों में क्राइस्ट कॉलेज बस्तर, बस्तर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज दुर्गो कोंदल, नर्सिंग कॉलेज जगदलपुर,
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्तर, गवर्नमेंट काकतिया पीजी कॉलेज धर्मपुरा, सूर्य कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट गेंद सिंह कॉलेज और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन जैसे लाजवाब कॉलेज शामिल हैं। बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की करें तो बस्तर ज़िले में अनेकों हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर बस्तर के शहरी क्षेत्रों से ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्रों से भी मरीज इलाज करवाने को आते हैं। बस्तर ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण हॉस्पिटल्स में महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्तर, MPM हॉस्पिटल, बंसल नर्सिंग होम, BSR डायग्नोस्टिक्स जगदलपुर और इसी तरह के कई सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। दोस्तों, बस्तर ज़िले तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, जहां एक ओर सड़क मार्ग में बस्तर से नेशनल हाईवे संख्या 30 गुजरती है और TSRTC, APRTC और OSRTC की रेगुलर बस सेवाएं जगदलपुर से आसपास के शहरों तथा राज्यों के लिए उपलब्ध है। वहीं रेल मार्ग में जगदलपुर रेलवे स्टेशन विशाखापत्तनम और रायपुर जैसे शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन्स के अलावा ये रेलवे लाइन NMDC बछेली से आयरन ओर का सप्लाई विशाखापत्तनम को करती है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो बस्तर ज़िले के जगदलपुर में एक एयरपोर्ट तो है, परंतु उसका प्रयोग भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य एयरपोर्ट यानी कि रायपुर एयरपोर्ट यहाँ से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। घूमने के लिहाज से देखा जाए तो बस्तर ज़िले में कई सारे लाजवाब दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं, जिनमें चित्रकोट वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कैलाश गुफा, नारायणपाल मंदिर, चित्रधारा वाटरफॉल, मेंद्री घूमर वाटरफॉल और तामड़ा घूमर वाटरफॉल आदि मुख्य कहे जाते हैं, जहां पर्यटकों का तांता सालों भर लगा रहता है। दोस्तों, पर्व त्योहारों की बात की जाए तो बस्तर ज़िले का दशहरा पूरे भारतवर्ष में चर्चित है। यहाँ का दशहरा फेस्टिवल अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इस त्यौहार को यहाँ पर 75 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा बस्तर ज़िले का घोटुल ट्रेडिशन भी बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ उत्सवों के दौरान कोई भी नवयुवक और नवयुवतियाँ अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। दोस्तों, बस्तर ज़िले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हलाबी, गोंडी और हिंदी मुख्य रूप से शुमार है। बात अगर इकोनॉमी की करें तो बस्तर ज़िले की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि और जंगल के उत्पादों पर आधारित है। दोस्तों, बस्तर ज़िले का मुख्य फसल धान है। इसके अलावा यहाँ पर जंगली उत्पाद जैसे कि केंदु पत्ता, धूप, लाख, आमचूर और इमली यहाँ के आय के मुख्य स्रोत हैं। बात अगर यहाँ के पर कैपिटा इनकम की करें तो दोस्तों, विगत वर्ष पूर्व यहाँ का पर कैपिटा इनकम 16,592 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष था। दोस्तों, हर जगह की अपनी कुछ कुछ उपलब्धियाँ और कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं। इसी तरह बस्तर ज़िले के भी एक मुख्य समस्या है और वो है क्राइम। 2018 के नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बस्तर ज़िले का क्राइम रेट 98.36 है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी हाल ही में बस्तर ज़िले के चरम गांव में एक 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग पाई गई है। ये इस बात को दर्शाती है कि बस्तर की संस्कृति कई हजार साल पुरानी है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर ज़िला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों,
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आगे और भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।